WordPress एक ecosystem है. It's an ecosystem where you can make a lot of money. पैसे आप different तरीकों से बना सकते हैं. But पैसे बनाने से पहले, please learn to follow the user. जैसे जैसे आप अपने users को follow करेंगे, जैसे जैसे आप उनके लिए एक अच्छा user experience बनाएंगे, वैसे वैसे you will be able to create a better opportunity for the users जिनके लिए आप ये वेबसाइट बना रहे हैं, जिनके लिए आप ये WordPress का आपने एक इंस्टॉलेशन खड़ी की हुई है. और हम आपको साथ साथ थ्रू आर गाइडेंस वी विल टीच यू कि आप पैसे कैसे बना सकते हैं एंड हाउ यू कैन क्रिएट मच बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ. बिकॉज जब आप पैसे बनाएंगे तभी आप अपने आप को खुश रखेंगे. सो वी वॉन्ट यू टू अर्न मनी, वी वॉन्ट यू टू अर्न मनी बिकॉज हम चाहते हैं आप पैसे भी बनाएं और साथ साथ आप सक्सेसफुल हों. जैसे जैसे आप पैसे बनाएंगे वैसे वैसे आप अपने आप को ग्रो करेंगे. जैसे जैसे आप अपने आप को ग्रो करेंगे वैसे ही आप अपनी साइट को भी ग्रो करेंगे. सो दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ डूइंग. सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वील टीच यू हाउ टू अर्न मनी विद इन्फोलिंक्स. द प्राइमरी गोल फॉर मोस्ट ब्लॉगर्स या वो लोग जो वर्डप्रेस की साइट बनाते हैं, उनका एक प्राइमरी मकसद ये होता है कि वो उस साइट से पैसे बनाएं, दैट दे मेक मनी फ्रॉम दैट साइट. बट इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट 90% ऑफ ब्लॉगर्स एंड वर्डप्रेस यूजर्स इन द इकोसिस्टम आर नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम देयर वेबसाइट. अब आप भी कहेंगे कि मुझे ये डर है, शायद आप ये फील करते हो कि आप लोगों को भी ये डर है कि क्या हम अपनी वेबसाइट से क्या पता अगर पैसे ना बना सकें. वेल डोंट बी अफ्रेड बिकॉज पैसे बनाने के अलावा देर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन डू विद वर्डप्रेस व्हिच कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ. लेकिन हम आपको साथ साथ ये भी सिखाएंगे कि आप पैसे कैसे बना सकते हैं. सो जस्ट लाइक एडसेंस, इन्फोलिंक्स इज़ एन ऐड प्लेटफॉर्म. जिस तरह मैंने आपको एडसेंस के बारे में बताया कि एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे यू कैन प्लेस गूगल के एड्स ऑन योर वेबसाइट एंड यू कैन जनरेट रेवेन्यू. उसी तरह इन्फोलिंक्स गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू ऐड लिंक्स टू योर वेबसाइट ताकि लोग जब आए आपकी वेबसाइट पे वो लिंक्स पे क्लिक करें एंड यू मेक मनी. बट इसको लगाते कैसे हैं, इन्फोलिंक्स है क्या और ये कैसे काम करता है, हम थोड़ा डिटेल में आपको समझाएंगे. सो क्वेश्चन इज के व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फोलिंक्स. इन्फोलिंक्स इज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म. ये एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया ब्लॉगर्स के लिए और वेबसाइट ओनर्स के लिए. सो दे कैन मेक मनी फ्रॉम देयर वेबसाइट बाय शोइंग रेलेवेंट एड्स. एड्स क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं, इश्तहारात. सो एड्स अपनी वेबसाइट पर दिखा के यू कैन मेक मनी and InfoLinks gives you an opportunity to do that. InfoLinks drives new revenue for publishers by delivering intent-based ads in non-traditional web places. kya matlab hai iska, InfoLinks aapko ek opportunity dega ki aap apni website pe, aapki ye jo behtareen si website hai, is pe you will be able to place ads in non-traditional places, aisi jagahein जिधर बाकी एड नेटवर्क्स काम नहीं करते, वहाँ पे आप एड्स प्लेस करके आप एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे. और एडिशनल रेवेन्यू कौन जनरेट नहीं करना चाहता, एवरीवन वांट्स टू मेक एक्स्ट्रा बक्स, एवरीवन वांट्स टू मेक एक्स्ट्रा मनी. सो यू आर एबल टू सेलेक्ट फ्रॉम अ रेंज ऑफ एलिगेंट एंड इनोवेटिव एड यूनिट्स दैट बेस्ट सूट योर नीड्स. आप अपनी वेबसाइट के लिए ऐसी एड यूनिट्स का इंतखाब कर सकते हैं विच आर गुड लुकिंग एंड इनोवेटिव. इनोवेटिव से मुराद है वो उनकी जो फंक्शनैलिटी है दैट इज़ वेरी यूनिक, दैट्स ऑल्सो फुली कस्टमाइजेबल. आप ऐसी एड यूनिट्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो फुली कस्टमाइजेबल भी हैं एंड यू कैन ईजिली एड देम टू योर वेबसाइट. सो वो चार
डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं आपके पास जिससे आप इन्फो लिंक्स अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं. एक उनमें से है इनफ्रेम. इनफ्रेम क्या करता है, इट विल कैपिटलाइज ऑन ब्राउजर मार्जिन्स विद टू डिस्प्ले अट्रैक्टिव एड्स. आपका एक जो ब्राउजर के मार्जिन होते हैं आपकी साइट में, उसके साथ ये दो एड यूनिट्स हैं जो आपको नजर आएंगी. इनफोल्ड क्या है, यू विल बी एबल टू एंगेज यूजर्स विद एन ओल्ड एड मोस्ट रेलिवेंट टू यूजर्स इंटेंट. सो एक साइट पे एक पॉपअप के तौर पे खुलेगा जो आपके यूजर्स को नजर आएगा, उनसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उनको दिखाएगा और उस पर क्लिक करने से आप पैसे बनाएंगे. इन टैग विल डिस्प्ले अ टैग क्लाउड ऑफ कीवर्ड्स रेलिवेंट टू योर कॉन्टेंट. एंड इन टेक्स्ट जो कि एक्चुअली इन्फोलिंक्स का सबसे मशहूर एड यूनिट है, दैट विल हेल्प यू मोनिटाइज इनसाइड द लाइंस ऑफ योर कॉन्टेंट बाय हाईलाइटिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स. सो दिस इज वट दैट एड यूनिट लुक्स लाइक. एक डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, और ये चार ऑप्शंस हैं जो इन्फोलिंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं. जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देयर इज इनफ्रेम, फिर है आपके पास इनफोल्ड, फिर आपके पास है इन टैग, और फिर आपके पास एन इन टेक्स्ट. चार ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं. द ब्यूटी ऑफ इन्फोलिंक्स इज यू कैन इनेबल और डिसेबल देम विद अ क्लिक. एक दफा आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड को डाल दिया, फिर आप एक क्लिक से किसी भी एक फ्रेम को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. इन्फोलिंक्स एड्स कैसे दिखाते हैं, इन्फोलिंक्स विल शो एड्स बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स. तो लेट्स से आपकी एक कुकिंग की वेबसाइट है जिस पे आप डिफरेंट रेसिपीज दिखाते हैं, तो जब भी आपको कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा और उससे रेलेवेंट एड फूड या कुकिंग से रिलेटेड उसको दिखाया जाएगा और वो उसे क्लिक करेगा, तो यू विल अर्न मनी. वहाँ पे जो आपका कंटेंट है उसके कुछ कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे, आपने नहीं करने. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्मार्ट एडवर्टाइजिंग. एंड उन कीवर्ड्स पे क्लिक करने से योर यूजर्स विल मेक मनी. इफ यू get this amazing option, you will be able to make additional revenue as compared to Google AdSense. So ye iska ek aur jo hai kafi zyada fayda hai. Infolinks provides advertisements that are shown through hyperlinking of keywords and blogs. Jis tarah maine aapko pehle detail mein bataya ki ye wale jo ads hain ye kuch keywords pe show honge. So jaise jaise aapke views badhenge waise waise aapki ऐड की रीच बढ़ेगी, जैसे जैसे क्लिक्स आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे यू विल बी एबल टू अर्न मोर मनी. सो अब आते हैं कि जी इन्फोलिंक्स आपने बता तो दिया, अब इन्फोलिंक्स को यूज़ कैसे करेंगे, हाउ कैन यू मेक मनी विद इन्फोलिंक्स. सो इन्फोलिंक्स को ज्वाइन करना इज प्रीटी सिंपल. आप infolinks.com की वेबसाइट पर जाएंगे. सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन्फोलिंक्स की पॉलिसीज़ को ज़रा डिटेल में स्टडी करें कि वो कौन सी एड पॉलिसीज़ हैं. जिस तरह मैंने आपको एडसेंस में भी बताया था, एवरी एड नेटवर्क हैज़ सम पॉलिसीज़. आई वुड सजेस्ट यू टू रीड इन्फोलिंक्स एड पॉलिसीज़ एंड देखें कि कौन सा कंटेंट है जो इन्फोलिंक्स अलाउ नहीं करता और कौन सा ऐसा कंटेंट है जो इन्फोलिंक्स अलाउ करता है. सो व्हाट्स द प्रोसेस, प्रोसेस वही है, आप जाएंगे उसकी वेबसाइट पे infolinks.com. वहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा साइनअप फॉर्म है, आप उस साइनअप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे. प्लीज़ याद रखिएगा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है ताकि आपका अकाउंट जल्द से जल्द अप्रूव हो सके, ताकि जल्द से जल्द आप पैसे बना सकें, ताकि जल्द से जल्द आप अमीर हो सकें और जल्द से जल्द पाकिस्तान की इकॉनमी में आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें. बट लेट्स रीवाइंड एंड कम बैक टू द प्रोसेस. सो जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे, इट विल टेक 48 आवर्स टू अप्रूव योर अकाउंट. एक दफ़ा आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, यू विल इंटीग्रेट योर कोड टू द वेबसाइट. आप वेबसाइट पे अपना कोड इंटीग्रेट करेंगे और वेबसाइट पे कोड इंटीग्रेट करने के बाद आपका एड नेटवर्क है वो एड्स दिखाना शुरू कर देगा आपकी वेबसाइट पे. और जैसे जैसे वेबसाइट पे एड आपका नज़र आएगा वैसे वैसे यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी. सो अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम अपसाइड्स, सम अपॉर्चुनिटीज़ के इन्फोलिंक्स यूज़ करना क्यों ज़रूरी है और क्यों इम्पॉर्टेंट है. भाई एक तो ये कि इट्स एक्चुअली द सेकेंड बिगेस्ट एड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. सो काफ़ी एड नेटवर्क्स आपको बताए गए, हमने बात भी की, गूगल एडसेंस इज नंबर वन, बट इन्फोलिंक्स इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी टॉप ब्लॉगर्स, टॉप वेबसाइट ओनर्स. तो इसीलिए इट्स वेरी, इसकी एप्लीकेशन बड़ी ईजी है और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बड़ा फास्ट है. इसका
प्रोसेस इंस्टॉलेशन का बड़ा सिंपल है इसके, चूंकि इन टेक्स एड्स हैं तो ये आपकी ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, और आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि वो जो चार एड टाइप्स मैंने आपको बताई उनमें से कौन सी एड टाइप को आप सिलेक्ट करेंगे, दैट्स ऑल्सो अप टू यू। एंड यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज दी कलर्स, आप इमेज एड्स को अपनी मर्जी से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इन टैग एड्स भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है विच इज़ अवेलेबल टू यू 24/7, एंड अदर देन दैट दीज एड्स कैन एक्चुअली बी यूज्ड विद एडसेंस एज वेल। ज़्यादा इसका ख्याल ये रखें कि अगर आपकी ट्रैफिक यूएस की ज़्यादा है या यूके की ज़्यादा है तो ये एड्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे एज़ कम्पेयर्ड टू इफ़ यू हैव मोर ऑफ योर ट्रैफिक फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये कुछ हमने बातें की अबाउट इन्फोलिंक्स, ऑन हाउ यू कैन यूज़ इन्फोलिंक्स टू एम्पावर योर वर्डप्रेस वेबसाइट टू मेक मनी फ्रॉम इट। सो सीखते रहें, सिखाते रहें, कनेक्ट करते रहें, एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक पाकिस्तान द नंबर वन कंट्री in the global digital economy.